मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के 6 महीने पूरे होने पर प्रदेश भर में कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रेस वार्ता की। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री और देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया के सामने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा। मंत्री पटवारी ने जो काम करता है वो हिम्मत से और गौरव से अपनी बात को मीडिया के सामने बताता है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार के जल्द गिराए जाने की बात को लेकर मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के बयान देते हैं वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों या शिवराज सिंह चौहान हों या राकेश सिंह हों या अन्य नेता, वो अंदरूनी पॉलिटिक्स में पार्टी में नेता बनना चाहते हैं। करता है गौरव से जनता को और मीडिया के सामने आके हिम्मत से अपने बात को बताता है। कमलनाथ जी ने पूरे समर्पण के साथ, उनकी सरकार ने पूरे समर्पण के साथ प्रदेश को समृद्ध बनाने की हर प्रयास तेज भी किए और उसके आयाम को लक्षित करके टारगेट को अचीव भी किए। युवाओं को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे हमारे कर्मचारियों को लेकर हो, समाज के किसी वर्ग को लेके हो, 100 से ज़्यादा वचनों को पूर्णता किया। तो मैं समझता हूँ गौरव का विषय है कि जिस जनता ने वोट दिया उसके सामने जाके अपना रिपोर्ट कार्ड 6 महीने का देना, ये हिम्मत से वही व्यक्ति कर सकता, वही संस्था कर सकती, वही सरकार कर सकती है जो ईमानदारी से काम कर। जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, जो नेता देते हैं, वो कोई हो, वो अंदरूनी पॉलिटिक्स में पार्टी में नेता बनना चाहते हैं। वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे CLP लीडर हो, चाहे राकेश सिंह हो, वो कहते हैं मैं कमलनाथ जी की सरकार से लड़ रहा हूँ, ऊपर रिपोर्टिंग करनी है इसलिए बयान देना है। सपने हैं, देखते रहना चाहिए। अगले साल भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, अगले 5 साल बाद।